नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शनिदेव ने उठा लिए धनुष, अब आपके जीवन काल में खुशियां आने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपका पाशा पलटने वाले हैं। आपके जीवन काल में कई बड़ी ऐसी घटनाएं होने वाली है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूं कहें तो आप खुशी से झूम उठेंगे। जी दोस्तों, वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें चुपके से एक बार जरूर देख लीजिएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के मध्य में भी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इन्हें थोड़ा सा भी आप मिस ना करें। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो का निर्माण आपके जीवन काल में खुशियाँ लाने का मकसद है। जी दोस्तों, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि दुख और सुख भाई भाई होते हैं। कभी मनुष्यों के जीवन में सुख होते हैं तो कभी मनुष्यों के जीवन में दुख भी रहता है। जी दोस्तों, और यश में ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए सुख का संकेत कर रही है। ऐसे में दोस्तों, आपको इन्हें सदुपयोग में लाने की जरूरत होगी। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि आने वाले शो में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इनके साथ आपको कौन से चित्रों को लेकर सावधानी रहोगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन चित्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखिएगा, गुरु जी का और भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। तो मित्रों, जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, एक बार एक राजा था, वह जब भी मंदिर जाता था तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं तरफ बैठा करते थे। दाएं तरफ वाला कहता था कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाएं तरफ वाला कहता था कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाएं तरफ वाला भिखारी बाएं तरफ वाले से कहता है कि ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाएं तरफ वाला जवाब देता है, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में जो दाएं तरफ भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है तो अवश्य ईश्वर उसकी सुन लेगा, लेकिन जो बाएं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांग करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भरकर उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे जाओ। मंत्री ने ऐसा ही किया और अब वह भिखारी मजे में खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोलता है कि हट, बड़ा भगवान तुझे देगा, या देख राजा से मांगा और मुझे मिल गया। खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो दोस्तों, वह भिखारी बचे हुए खाने को उस भिखारी को और देख के कहता है, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसा ही बैठा है और दाईं तरफ वाला भिखारी गायब है। राजा चौंक कर उससे पूछा कि क्या हुआ, तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी ने बोला, जी हाँ मिला था, बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा बोले, तो फिर क्या हुआ? भिखारी बोले, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता था, मैंने उसको देकर कहा, मूर्ख हमेशा कहता रहता है कि ईश्वर देगा ईश्वर देगा, ले खा ले। तो फिर राजा मुस्कुराकर बोला, अवश्य ईश्वर ने उसे दे ही दिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस बर्तन में स्वर्ण के मुद्राएं भी थे जो कि अंदर में थे। वह पाकर वह भिखारी वहां से चला गया और वह जाकर अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, भगवान पर जो भी व्यक्ति विश्वास रखता है उन्हें भगवान अवश्य देता है। तो दोस्तों, यह कहानी से अगर आपको अपने जीवन काल में सीख मिली हो, भगवान पर भरोसा हुआ, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वही दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि भगवान शनिदेव अब आपके लिए क्या क्या खुशखबरियां लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के बीच बीच में हम आपको भगवान शनिदेव का वह बात बताने वाले हैं, वह मंत्र बताने वाले हैं, जिन्हें दोस्तों आप सुन लेंगे, जिन्हें आप कर लेंगे, तो दोस्तों भगवान शनिदेव इस जन्म में नहीं बल्कि आजीवन आपके साथ रहेंगे।
जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव अब आपके घर आने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। रुके हुए काम समय पर पूरा होने वाला है। ये दोस्तों, ग्रह स्थिति आपके लिए भगवान शनिदेव बहुत ही अनुकूल करने वाले हैं, जिनसे दोस्तों लाभ के मौके आपके घर परिवार पर बढ़ेगा। ये दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह व फिर मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। क्यों दोस्तों, यशमेघ घर के बड़े बुजुर्ग नहीं बल्कि भगवान शनिदेव का वास उनके जीवन काल पर रहने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब सुबह सुबह कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, क्योंकि भगवान शनिदेव के आगमन से पहले आपके जीवन काल में ये घटनाएं तो होकर रहेंगी, जो कि दोस्तों आपको अगले 24 घंटों के अंदर पता चलेगा। जी दोस्तों, इस वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे और आपको उनमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं और यश में आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव न्याय करने वाले हैं। अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएं, इससे आप सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, घर में कोई मांगलिक कार्य के आयोजन संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छी अच्छी घटनाएं आने वाले 3 दिनों के अंदर होने वाले हैं। दोस्तों, खुशी भरा माहौल भी अगले 3 दिनों के अंदर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में जो भी परेशानियां चल रही है वो परेशानियां हल होने वाली हैं और उनमें आपको बहुत ही अच्छा रास्ता मिलेगा, बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, जिनमें अगर आप चलेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और उनमें बहुत ही अच्छी सफलता भी इसमें हासिल कर पाएंगे। आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास रखना आपको कोई भी निर्णय लेने में बल प्रदान करेगा। जी दोस्तों, और यश में आपका हर निर्णय सही होगा, क्यों दोस्तों आपके ऊपर भगवान शनिदेव का आशीर्वाद रहने वाले हैं। जी दोस्तों, लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए ये जो समय है बहुत ही अच्छे समय होंगे, उनके लिए आप समय निकालें और अपना दायरा बढ़ाएं। इससे दोस्तों कुछ नई जानकारियां तथा उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। आप तनाव मुक्त तथा ऊर्जावान यश में महसूस करने वाले हैं। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। दिन में जो आपकी रूटीन है उनसे हटकर कुछ दिनचर्या व्यतीत होगी। जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व फिर देखभाल में आपकी विशेष रुचि भी रहेगी। किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना बढ़ रही है, जिनसे घर में खुशियों भरा माहौल रहेगा। ये दोस्तों, आने वाले समय में भगवान शनिदेव की शुरुआत से सामाजिक अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भी अपना रुचि बनाए। प्रभावशाली लोगों के साथ आपके लाभदायक संबंध भी स्थापित होंगे। आपको बता दें कि यश में भगवान शनिदेव का चमत्कार आपके जीवन काल पर ऐसा चलेगा कि जो भी युवा वर्ग है उन्हें करियर संबंधी शुभ समाचार मिलने वाला है और उन्हें बहुत ही राहत महसूस होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा परेशान हैं, दोस्तों यश में आने वाले 3 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव के सबसे खास मंत्र ओम शह संचराय नमः का जाप करें। जी दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपको सुबह शाम इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, आपके निजी जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां खत्म होगी और समय समय पर आपको भगवान शनिदेव का स्मरण करते रहना है। शनिदेव के भक्ति भाव पर यकीन करना है, दान पुण्य करना है। इनसे दोस्तों भगवान शनिदेव आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहेंगे। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों का जो समय होगा अधिकतर समय घर परिवार की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी समय व्यतीत हो जाएगा। किसी नजदीकी संबंधों की समस्या हल करने से आपकी विशेष भूमिका उनमें रहने वाली है। ये दोस्तों, इससे आपकी छवि और व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। सब आपका बहुत ही ज्यादा सम्मान करेंगे और दोस्तों आपका मान सम्मान कुछ ऐसा होगा कि आप फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि दोस्तों सब भगवान शनिदेव का ही आशीर्वाद है, जो कि आपके जीवन काल में इतनी बड़ी खुशखबरियां आप सभी को मिल रही है। नई नई योजनाएं और कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। जी दोस्तों, भगवान शनिदेव की शुरुआत से ये जो रुचि होगी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। उन्नति के नए आयाम भी प्राप्त होगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से आप सभी का मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेगा। जी दोस्तों, दिल गदगद हो जाएगा और खुशियों में इसमें सारा परिवार झूमने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में भगवान शनिदेव का चमत्कार आपके पूरे घर परिवार पर रहेगा। पूरा घर परिवार में खुशियां बरसेंगी। ये जो समय होगा 3 दिनों का समय होगा, आने वाले समय में दिन भर
घर की व्यवस्था तथा सुधार संबंधी कार्यों में भी व्यवस्था बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी खुशी और आत्मबल बढ़ेगा। तो दोस्तों जरूर आप इन पर ध्यान दें। भगवान शनिदेव यही चाहते हैं कि घर परिवार में मिल बैठकर सभी बातों को सुने, सभी बातों को बोले, मन हल्का करें। सब बातें समय समय पर पूरी होंगे, सभी सपने यश में आपके सच होंगे। कोई इच्छा कार्य समय पर पूरा होने से मन आपका बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा। जो आपके अंदर की इच्छा है यश में पूरा होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवनकाल में ऐसी खुशियां आएंगी कि दोस्तों आपने इन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। हम आपको बता दें कि अगर आपको भगवान शनिदेव पर विश्वास है तो दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप अवश्य कीजिएगा जी दोस्तों, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी परिस्थितियों में बहुत ही ज़्यादा सुधार होगा और तुरंत ही फैसला लेने के लिए आप तैयार रहेंगे और आप सभी कार्यों को समय पर संपन्न कर देंगे। कुल मिलाकर कहें तो समय आपके लिए भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत ही बेहतरीन होगा। हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, मन चाहे कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से समय आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। भगवान शनिदेव आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर आ रहा है। आय के साधनों में भी इजाफा होगा। आलस्य छोड़कर दोस्तों पूरी ऊर्जा और फिर आत्मविश्वास से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। किसी मनोरंजन स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव हमेशा आपसे कहते हैं कि कभी भी अपने कार्यों को दूसरे के हाथ में ना दें। दोस्तों 3 दिनों के अंदर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। काम की अधिकता की वजह से कभी कभी आपको गुस्सा तो आएगा, चिड़चिड़ापन तो आएगा, लेकिन दोस्तों कभी भी आपको इसके ऊपर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अगर आपको मन परेशान हो तो दोस्तों वर्ष में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि ये जो कारक हैं, ये जो नकारात्मक कारक है आपके कार्यों को ध्वस्त कर देंगे। तो भगवान शनिदेव के इन बातों का ज्ञान रखें, इन बातों का ध्यान रखें। जीवन में आपको मनमंदिर फल प्राप्त हो जाएंगे और आपकी जो भी कार्य हैं जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, उनमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। यश में लव लाइफ के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर का वातावरण बहुत ही मधुर रहेगा। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही अच्छा है। साथ ही स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से तनाव और फिर चिंता लेने से आप परहेज करें, क्योंकि यश में भगवान शनिदेव का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो किसी चीज का आप चिंता ना करें, किसी के लिए आप परेशान ना हो। जी दोस्तों।